di zauj mio se sa mere mani bachchen ko maati yuva mochan taraf se aaj hum sabhi saathi yahan pe collect bandra collector office mein maratha kranti mochan ke dwara jo arakshan ki mang uthai gayi hai maratha samaj ke uske samarthan mein aaj hum yahan nivedan dene aaye hain sathi jaise hum dekh rahe hain ki pichle हफ्ते भर या उससे ज़्यादा समय से जो महाराष्ट्र में जो मराठी क्रांति मोर्चा द्वारा मराठा आरक्षण के लिए जो मांगे उठाई जा रही है और जो आंदोलन चल रहा है उसने आज काफ़ी रोमांचक मोड़ ले लिया। देखा जाए तो आरक्षण ये विषय काफ़ी विवादित रहा है क्योंकि लोगों में इसके बारे में जानकारी नहीं और इसके बारे में जानकारी न होने के कारण लोगों में इसके बारे में काफ़ी भ्रम है। सही देखा जाओ कि फुलेशाह आम्बेडकर विचारधारा को लेकर ये जो लोग चल रहे हैं उन लोगों के आंदोलन के बारे में जानकारी होगी लेकिन मराठा समाज के काफ़ी लोगों के बारे में भी आज तक वो अनभिज्ञ है ताकि उनके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है। और इसी तरह से आज जब ये जो आंदोलन चल रहा था इसमें काका साहेब शिंदे ये जो युवक है जो औरंगाबाद के गंगापुर तहसील में क्रांति मोर्चा द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था मराठा आरक्षण के लिए उसमें उसने जब समाज तो इसी मुद्दे को लेकर जब इन्होंने पहले गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो निवेदन दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन में हम जल समाधि लेने वाले हैं लेकिन गवर्नमेंट को इसके बारे में इसके पता होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया और इस प्रकार एक युवक नौजवान युवक की यहाँ जान चली गई। तो साथियों भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा हम यहाँ पर निवेदन देने आए हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ धामनी व्यवस्था यानी जो फडणवीस सरकार है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसलिए हमने यहाँ पे मांगे रखी है कि काका साहेब शिंदे ये जो है इनका स्मारक वहाँ पे औरंगाबाद में खड़ा किया जाए। दूसरी मांग तो हमारी ये है कि उनके घर से एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब दी जाए। तीसरी मांग तो हमारी ये है कि मराठा आरक्षण के समर्थन में है और मराठाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए लेकिन SC ST OBC इनका जो आरक्षण है इसको धक्का न पहुंचाते हुए आरक्षण देना चाहिए। चौथी बात तो ये है कि ये जो घटना हुई है इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर मनुष्यवध का गुनाह दाखिल किया जाना चाहिए और पांचवी मांग हमारी ये है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर राजीनामा देना चाहिए। ये हमारी मांग। साथियों जैसे देखा जाए कि आरक्षण मुद्दा गंभीर मुद्दा है और लोगों के पास इसके बारे में जानकारी नहीं है। ब्राह्मणी सरकार द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि आरक्षण 50% से ज़्यादा दिया नहीं जाता, ये भ्रम फैलाया जाता है। ब्राह्मण बनिया मीडिया इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगर हम सही तरह से संविधान का अभ्यास करते हैं आर्टिकल नंबर 340, 341 और 342 का अगर हम सही तरह से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि लोकतंत्र की व्याख्या यही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी लोकसंख्या के अनुपात में आरक्षण से ज़्यादा तो बढ़िया शब्द यह है कि प्रतिनिधित्व, जो समाज का प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं उनके समाज में हिस्सा होना चाहिए और ये आरक्षण जो है तो लोकसंख्या के अनुचित संख्या में लोगों को मिलना चाहिए। जैसे कि SC ST OBC NTD NT VJ NT और माइनॉरिटीज हैं इनकी संख्या होनी जनगणना होनी चाहिए और इसके लिए मेन जिम्मेदार जो है जो सरकार है जो कि जनगणना जाति न्याय जनगणना नहीं करते हुए आज सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर जनगणना की जा रही है। तो इसलिए हमें अध्ययन करना ज़रूरी है कि आरक्षण दरअसल क्या है। तो ये मेरी यही दरख्वास्त है सारे नौजवानों से कि पहले ये बातें हम ठीक तरह से समझ लें कि आरक्षण का मामला क्या है और ऐसे कठिन प्रसंग में जब समाज के हित की बात आती है तो समाज के सारे तबकों में जो मूल निवासी बहुजन समाज है हमारा जो 85% है और जो हज़ारों जातियों में विभाजित किया गया है जिसको हम संवैधानिक मायने में SC ST OBC माइनॉरिटी NTD NT VJ NT ऐसी कैटेगरीज में हम लोग सेग्रीगेट करते हैं तो इन लोगों को इकट्ठा आने चाहिए और ये जो कठिन प्रसंग है तो हमें मराठा समाज के साथ यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। साथियों ये जंग एक प्रकार की जंग है और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाले लेकिन इसके लिए अगर ब्राह्मणी व्यवस्था जिम्मेदार है तो हमें हमारी जान गंवाकर कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमें इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है तो हमारी जान भी अनमोल है। इसलिए मेरी सभी साथियों से विनती है कि आरक्षण इस विषय पर जो जानकार है जो फुलेशाह आम्बेडकर विचारधारा से जुड़े लोग हैं उनके साथ जाए, जो विविध संगठनाएँ आज समाज में लोगों का मनोबल ऊंचा रहे या जो समाज को सही दिशा दे रहे उन संगठन के साथ जुड़ जाए, सही जानकारी ले और समाज के लिए भी अपना योगदान दे। जय मूल निवासी, जय जिजाऊ, जय श्री।